कारपोंट हिंदी के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश। और दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ क्लच पेडल के फ्री प्ले के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे फ्री प्ले, हमारे जो क्लच का पेडल होता है ये वाला, वो क्यों जरूरी है और इसको हम घर पर किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। कई दोस्तों के सवाल आ रहे थे कि सर, क्लच पेडल में कितनी फ्री प्ले होनी चाहिए और इसको हम किस तरह से एडजस्ट करें और ये क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना एक इसके लिए एक वीडियो बनाया जाए। तो आज की वीडियो हम जानेंगे दोस्तों कि क्लच की जो पैडल है उसमें फ्री प्ले कितना होना चाहिए और इसको हम घर पे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो बनाने से पहले दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फ्री प्ले मैं आपको बताता हूँ चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है। आपको अपनी हाथ की केवल एक उंगली से क्लच पेडल को इस तरह से प्रेस करके देखना है। अगर ये इस तरह से एक उंगली से ज़्यादा प्रेशर ना लगाए, दब रहा है, तो समझ लिए आपके पेडल में फ्री प्ले है। अब दोस्तों, ये होनी कितनी चाहिए? दोस्तों, फ्री प्ले कम से कम आपकी जो पेडल है उसमें आधा इंची से एक इंची के बीच होना चाहिए। कम से कम आधा इंची होना ही चाहिए, ठीक है। कंपनी से कुछ MMM बताती है तो, लेकिन मैं आपको दोस्तों सिंपल बता रहा हूँ, आधा इंची या इससे थोड़ा ज़्यादा चलेगा, ठीक है। अब दोस्तों, ये ज़रूरी क्यों है ये भी सुन लीजिए। अगर आपके पेडल में फ्री प्ले नहीं होगी तो आपकी क्लच प्लेट पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्लच प्लेट आपकी जल्दी घिस जाएंगी, जल्दी जल जाएंगी। उसका दो तीन नुकसान है। पहला तो आपकी क्लच प्लेट जल जाएगी, घिस जाएंगी जल्दी समय से पहले। दूसरा, कार के इंजन का पावर आपके टायर तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाएगा। तीसरा, आपकी कार माइलेज कम देगी। तो दोस्तों, ये तो इसके नुकसान हो गए, ठीक है, फ्री प्ले अगर नहीं हुई पेडल में। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, इस फ्री प्ले को किस तरह से घर पर सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों, हमको अपने कार के इंजन के नीचे एक लीवर दिया गया है, चलिए देखते हैं। तो कार के इंजन के नीचे चलते हैं हम, और उसमें एक लीवर दिया गया है, नीचे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर एक लीवर दिया गया है, ये वाला, थोड़ा पास चलते हैं। ये लीवर दिया गया है, इसके यहाँ पर एक ये नट दिया गया है, इसको प्लास्टिक का जो केप दिया है, ये इसको इस तरह से खींच के निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप इसको टाइट करके अपने क्लच पेडल की फ्री प्ले को एडजस्ट कर सकते हैं, लूज करके, टाइट करके, ठीक है। अगर आप इसको टाइट करेंगे तो फ्री प्ले खत्म हो जाएगी। अभी ये फुल टाइट हो गया, ज़्यादा प्रेशर से नहीं, केवल हाथ से इसको इस तरह से घुमा के आप पेडल की जो फ्री प्ले है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैंने इसको टाइट कर दिया, तो यहाँ पर एक केबल दी गई है, देखिए दोस्तों। तो केबल में बिल्कुल भी, केबल जो है बिल्कुल भी लूज नहीं है, तो ये केबल लूज होना ज़रूरी है, ठीक है। अभी मैंने टाइट कर दिया, केबल में लूज नहीं है, ये रबड़ केबल लूज दिख रही है आपको, ऊपर से जो रबड़ लगी, केबल लूज नहीं है, आप हाथ से देखेंगे। और अब फिर से चलते हैं हम अंदर, देखते हैं कि हमारे पेडल में कितनी फ्री प्ले बची है। देखते हैं, देखिए, अब हम एक उंगली से दबा के देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं दब रहा। अब आपको इसको पूरे हाथ का जोर लगा के ही दबाना पड़ेगा। तो ये फ्री प्ले आपको अब बिल्कुल भी नहीं दिख रही होगी इसमें। जैसे कि ब्रेक पेडल होता है बिल्कुल टाइट, उसी तरह ये भी हो गया है। तो ये फ्री प्ले का ना होना होता है, ठीक है। पेडल में फ्री प्ले अभी नहीं है। इससे अगर ऐसे आप चलाएंगे कार इसी फ्री प्ले के साथ, जो कि बिल्कुल फ्री प्ले नहीं है, इसी तरह आप चलाएंगे तो आपकी कार की क्लच प्लेट जल्दी घिसेगी। चलिए अब इसे लूज करते हैं। लूज करने के लिए दोस्तों, फिर से हमें वहीं चलना है, कार के नीचे, और वही लीवर है
वही नट है, इसको अब हम टाइट की जगह लूज करेंगे दोस्तों, ठीक है, लूज कर देंगे इतना कि ये केवल इस तरह से लूज हो जाए। देखिए ये लूज हो गई है और यहाँ से भी ये हिलने लगा है, देखो ये चीज़ हिल रही है, देखिए आराम से एक उंगली से हल्के हाथ से, तो ये अब लूज हो गई, यानी कि फ्री प्ले अब हमारे पेडल में आ गई होगी। चलिए अब अंदर देखेंगे, पहले उससे पहले मैं केप लगा देता हूँ ये वाला, ठीक है। अब हम फिर से अंदर चलते हैं, चलिए देखते हैं फ्री प्ले है कि नहीं हमारे पेडल में। आप देखिए दोस्तों, अब फ्री प्ले फिर से आ गई है। तो ये होती है दोस्तों फ्री प्ले, ये होना हमारे क्लच पेडल में बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब मैंने आपको समझा दिया है, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।